Nurturing excellence. Hello everybody, welcome to Abacus Academy. We are here to discuss the solution of mock test 603, which you have already attempted. If not, I strongly advise you to attempt the test first. Okay, let's discuss the questions. The first question is LCM of two numbers is 864 and LCF 144. If one number is 288, then find another number. We have already known the formula. Number first multiplied by number second equals to LCM multiplied by HCF. ठीक है, तो number first क्या है? 288. Number second we will assume x. LCM 864 multiplied by HCF 144. So the x will be 864 multiplied by 144. Upon 288. अब हमें यहाँ क्या करना होता है कि पहले हम डिवाइड करेंगे नंबर्स को ताकि नंबर्स छोटे हो जाएं और हमें कैलकुलेशन इजी करनी हो. तो 1 और ये 2, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 432 ऑन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम. एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 225 एंड देयर आर सैटिस्फाई वन नंबर इज 25 देन अदर विल बी 225 multiplied by 5 will be equals to 25 multiplied by x. Here 225 multiplied by 5 upon 25 will be equal to x. 5 जा 5 से इसको करेंगे तो 4 5 45. Next question LCM of two number is 1820 and their HCF is 1820 and their HCF is 26 and one number is 130 equals to x करो 2 10 ये 5 से इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 3 तो 6 4 364. What fraction of rupees 1 is 50 paise? 50 paise कितने fraction है 1 रुपए का? तो 50 पैसे अपॉन रुपीज 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 50 पैसे और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे करेंगे तो 1/2 फ्रैक्शन व्हिच इज आंसर ए. इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो इजीएस्ट वे तो ये है कि हमें वैसे ही पता होता है कि 1 2 3 4 यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहां 2 डिजिट के बाद पॉइंट है मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा. बाकी इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है इसको पहले मैंने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया इसको सॉल्व किया तो 1/10,000 और इसका डिवाइड करेंगे तो 0.0001. ट्रायंगल है इसका एक एंगल 53 है व्हिच इज ए एंगल सी है व्हिच इज 44 एंगल बी फाइंड करना है. बी की वैल्यू क्या जाएगी हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू पुट करेंगे 53 प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे 54 प्लस एंगल सी टू 180 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल सी की वैल्यू निकालनी है 180 माइनस इन दोनों का सम किया कितना हो गया 97 हो जाएगा 83 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्स है तो वो एक्स प्लस 14 है 14 डिग्री मोर है ठीक है देन द एंगल इज. अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस 14 की तो हमें पहले एक्स निकालना पड़ेगा कि तो फर्स्ट एंगल तो है एक्स प्लस 14 दूसरा एंगल है एक्स अगर वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x plus 14 equals to 90 degree. यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 minus 14 कितनी जाएगी 76. x की वैल्यू कितनी जाएगी 38 degree. ठीक है अब हमें ये एंगल नहीं निकालना हमें वो एंगल निकालना है 14 मोर है तो x plus 14 की वैल्यू क्या जाएगी 38 plus 14 which is in the end will be equal to 52 degree. देखो इसमें जानबूझ के ऑप्शन फर्स्ट यहाँ दिया है ताकि तुम्हारे यहाँ आंसर आए 38 डिग्री और आप
यही क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, बाकी आंसर लेकिन ये है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो हमें पता होता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनता है, अब मैं देखो ये दो लाइन ऐसे हैं, आगे मैंने इनको डैश डैश से बनाया ताकि आपको ये एंगल दिख जाए। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक्स क्या बनता है एंगल, उनमें से ये जो पोजीशन होती है दोनों साइड से, इनको हम एंगल के रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं आम, ये पॉइंट हो जाता है एंगल, और ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलने के वर्टेक्स। अब मैं इनको भी ड्रॉ करता हूँ तो एक एंगल ऐसे भी तो बन रहा है, एंगल यहाँ भी बन रहा है, ठीक है ये उसके आर्म हो गए, पर वर्टेक्स तो सेम ही है, कॉमन वर्टेक्स है, तो जो इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स में एंगल बनेंगे उनको ही क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल। ठीक है इसकी भी थ्योरम हम प्रूव करने की, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का 180 है, तो ये एंगल कॉमन है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, वो हम 7th क्लास का टॉपिक है प्रूव करने का। ठीक है आरएमसी वाले बच्चों के लिए है, तो आपको अभी तो इतना ही याद रखना है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल वो क्या होते हैं इक्वल, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 75 डिग्री एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू एंगल। अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये ए है, ये है 75 डिग्री, और ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, तो दो एंगल है उनका डिफरेंस तो बच गया ना, इफ डिफरेंस ऑफ अदर टू एंगल यानी एक्स माइनस वाई कितना है 35 डिग्री हमें दे रखा है, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अदर टू एंगल्स इज मेजर। अब देखो अब मुझे ये पता है अगर ये 75 है तो इन दोनों का इन तीनों का सम क्या होगा, 75 + x + y 180 होना चाहिए, यहाँ से x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 - 75 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री, x + y की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 105 - y, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यही वैल्यू मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या है 105 - y, ये तो x की वैल्यू होगी और ये माइनस और ये y इक्वल टू 35 होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन किया 105 - y - y इक्वल टू 35 यानी 105, तो ये 35 इधर आ गया तो माइनस का 35 इक्वल टू ये माइनस का 2y इधर गया तो प्लस का 2y हो गया, तो यहाँ से इसको माइनस किया 2y की क्या वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 70, तो y की वैल्यू क्या आ गई 35। ठीक है अब यहाँ से 35 में y की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो x इक्वल टू 35 इसमें से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। ठीक है तो इन दोनों में से लार्जेस्ट एंगल निकालना था हमें, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है तो वो क्या जाएगा 75। नेक्स्ट है इफ वन एंगल इज 130 - 2x फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो पहला एंगल जो दो एंगल मान लेते हैं a + b, दो एंगल है ए एंड बी, अगर दोनों सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, उनमें से एक एंगल हमें दे दिया, ए की वैल्यू दे रखी है तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 180 - a, यही तो होनी चाहिए, ऐसे निकालते हैं किसी भी एक एंगल का सप्लीमेंट्री उसको 180 में से माइनस कर दो, तो मैं 180 में से माइनस कर देता हूँ पहले एंगल को 130 - 2x को, तो 180 ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये 130 तो -130 हो जाएगा क्योंकि माइनस ही तो करना है, तो इसके पहले से माइनस का है फिर माइनस और करना है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो 180 - 130 कितना हो जाएगा 50 + 2x, तो ये दूसरा एंगल आ गया 50 + 2x। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में क्या होता है सम 180 होता है, इन दोनों का सम करेंगे 180 आ गया, इन दोनों का सम करेंगे कितना आ गया 538 90, इन दोनों का सम करेंगे 180 आ गया, और इन दोनों का सम करेंगे तो भी 180 आ गया, मतलब केवल यही है जो 180 नहीं है, तो ये आंसर सही है, कौन सा नहीं है नॉट ए पेयर। देखो एग्जाम देते टाइम इन वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान रखना, नॉट ए पेयर, तुमको अगर ऐसे दिखेगा पेयर तुमने 90 90 देखा यहीं टिक करके भाग जाओगे। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 240, जो को प्राइम नंबर होते हैं एक ए है दूसरा बी है, मान लो जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है 1,
FCO1 का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर उनका वन है तो उनमें एक्चुअल में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है ना, कॉमन कुछ भी नहीं है तो वो दोनों क्या है बताओ? अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई जो होगा वही उनके वही उनका एलसीएम होगा, ठीक है, जैसे हमें पता है। चलो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एच सी है इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अब प्रोडक्ट ए इंटू बी तो हमें डायरेक्ट कितना दे रखा है 240, एच सी एफ हमें पता है 1 होता है कोप्राइम नंबर का, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ जाएगा, उन दोनों का प्रोडक्ट ही तो आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 240। 163 में क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालना है। जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालते हैं जो तो न्यूमरेटर जो होते हैं उनका तो हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकाल देते हैं हम, डिनोमिनेटर का निकाल देंगे हम एचसीएम, ठीक है। तो निकालो 24 और 10, इनका एलसीएम निकालो तो कितना जाएगा 20 ही आ जाएगा, तो 9, 81 और 27, इनका एचसीएफ निकालेंगे 9, 81 और 27, इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 20/9। अब इनका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का तो एचसीएफ निकलेगा, न्यूमरेटर्स का तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, तो इनका एचसीएफ क्या आ रहा है 2, और इनका एलसीएम कितना आ रहा है 81, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/81। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इन सबसे डिविजिबल होने का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है वो भी 4 डिजिट का, तो इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इन सबसे डिविजिबल होने वाला पहले नंबर निकाल लेता हूँ, वो इन सब का क्या होगा एलसीएम, जो इन सबसे डिविजिबल होगा, तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और सब आ गए इसी में 20, और ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 420 इनका क्या गया एलसीएम, ठीक है। अब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9999, और वो इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए, इन उनके एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए, निकाल दो 420 से डिवाइड करके देख लो कहीं यही तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 840 माइनस किया तो 951, अब किया तो 3 बार, तो 3 बार कितना हो जाएगा 84, और 42 मल्टीप्लाई बाई 3 12/16, तो कितना हो जाएगा 933, ये क्या बच गया रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा है, अगर ये नहीं होता तो ये पूरा पूरा ऐसे डिवाइड होता, तो इसको माइनस करते हो, तो 9999 माइनस 339, तो क्या जाएगा 0669, 9660 है ना, 9660, ऑप्शन क्या हो जाएगा नन। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 27 35 45 एंड 59 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6, 6 का रिमाइंडर बचता है, तो लीस्ट नंबर निकालना है, तो पहले ऐसा नंबर निकालता हूं जो इन सब से डिविजिबल हो, ठीक है, कौन सा है वो नंबर 27 35 45 और 49 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 5 से डिवाइड हुआ 27 7 9 49, फिर 7 से डिवाइड किया तो 27 1 7, फिर 7 से कर देता हूँ तो 27 1 यहाँ 9 आएगा और यहाँ 7 आएगा, ठीक है 9 एंड 1, फिर 9 से कर देते हैं तो क्या आया 3 1 1 1, और फिर 3 से तो 1 1 1 1, एलसीएम क्या हो गया 9377, यानी 49 को 5 से किया तो 49, 5 से किया
245 मल्टीप्लाई बाय 27, इसी को कर लो, 245 मल्टीप्लाई 7 गुना 5 1 6, ये वो नंबर है जो इन 27, 35, 45 और 49 से क्या होता है, डिविजिबल है, यानी ये एलसीएम है, तो एलसीएम उन नंबर से डिविजिबल होता है। पर क्या बोलता है, रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, इसको अगर डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर 6 कब बचेगा, जब 6 एक्स्ट्रा होगा, तो 6 6 1 5 में 6 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो 1 2 6 6 आंसर क्या हो गया जी, एचसीएफ ऑफ 3 kg एंड 400 ग्राम। एचसीएफ निकालो, 3 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये, और 400 तो हमें दिख रहा है ये 100 से डिवाइड हो रहे हैं, 100 से डिवाइड किया तो ये 30 और 4 फिर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से तो 15 और 2, अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा इन दोनों में, ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया 200, एचसीएफ सॉरी 100 ग्राम्स, ठीक है। अब हाँ 400 ग्राम्स उसको डिवाइड नहीं करेगा, नन ऑफ दीज, स्क्वायर रूट ऑफ 1200, 1200 को डिवाइड किया हमने इससे, पेयर्स में डिवाइड करेंगे, पहले 10 से, चलो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, वहाँ इजी हो जाएगा, 1200 इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 300 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनको 10 को 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 को क्या कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और इनको ऐसे कर देता हूँ, ये तो 5 का तो 5, 2 का 2, 5 का 5, 6 को वापस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एक पेयर बन गया 2 का, ये एक पेयर बन गया 2 का, और ये एक पेयर बन गया 5 का, तो क्या बन गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो स्क्वायर में नंबर है वो तो बाहर आ जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 3, इसको करेंगे तो 20√3, आंसर क्या हो गया 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या गया 9, अब 90 का मल्टीपल कौन सा होता है, 180 भी स्क्वायर नहीं है, 90 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 270 नहीं है, 360 नहीं है, 450 नहीं है, 90 के मल्टीपल से निकालने पड़ेंगे ना, 450 नहीं है, फिर कितना हो गया 630 नहीं है, 720 नहीं है, 810 नहीं है और 900, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल है नंबर 2 4 6 7 2 9 x 4, 11 से डिविजिबल है, सॉरी 9 से डिविजिबल है, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस x, तो करो इनको तो हम लाइक टर्म है, इनको तो हम ऐड कर सकते हैं, 4 और 2 6 6 6 12 12 और 7 19 2 21 और 9 30 34 34 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 34 प्लस 1 35 डिवाइड नहीं होता 6 से 9 से, 36 डिवाइड होता है, तो x की वैल्यू 2 होनी चाहिए तभी तो ये डिवाइड हो पाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 2। थ्री बॉल्स थ्री बेल ऑल विथ 6 7 8 मिनट ऑफ टाइम इंटरवल, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टोल टुगेदर, तो 6 7 और 8, इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम क्या आ गया 2 से डिवाइड किया तो 3 7 और 4, 3 से डिवाइड किया तो 1 7 और 4, 7 से डिवाइड कर दिया तो 1 1 4, और फिर 4 से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 6 6 को 7 से किया 42, और 42 को 4 से किया तो
मल्टीप्लाई बाई 4 क्या हो गया, 168 मिनट्स। तो हर एक 168 मिनट बाद में वो एक साथ रिंग करेगी, बजेंगी, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार विद द स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर एंड 15 मिनट्स में, तो मैं पहले 15 मिनट्स को भी आवर में चेंज कर देता हूँ, तो 1 आवर प्लस 15 मिनट्स को क्या रख सकता हूँ, 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 1 होल 5 बाई 6 आवर। उसको आगे कन्वर्ट करेंगे तो चल जाएगा 11 बाई 6 आवर, ठीक है। अब तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो स्पीड तो कितनी है, 960 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई किससे करना है, 11 बाई 6 आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड किया, ये तो कितनी बार गया, 160। 160 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70-60 किलोमीटर। बी, अ साइक्लिस्ट कवर 930 मीटर इन 5 मिनट 10 सेकंड। 930 मीटर, टाइम कितना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया, 300 मिनट और 310 सेकंड में, ठीक है। तो वही पूछा है, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरा लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 930 मीटर और टाइम कितना है, 310 सेकेंड। ठीक है, 0 से 0 इसलिए 3 टाइम, तो 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 मिलियन में कितने हंड्रेड्स होते हैं, 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 10 मिलियन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 करोड़। अब इसमें कितने हंड्रेड्स होते हैं, तो हंड्रेड से डिवाइड करके चेक कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया, 1 3 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए, 1 लाख। तो 1 लाख ये रहा की ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, 4 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, हमें पता है 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 9। 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 90। 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 900। और 1 2 9 9 9 9, ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, यहाँ तक टोटल नंबर कितने हो गए, 9 9 9 9। इनमें से मैं ये सब माइनस कर दूंगा तो केवल 3 डिजिट के तो बचेंगे, तो 999 माइनस कर देंगे तो 0 0 0 9000 वो नंबर है जो 3 डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं, ठीक है, सॉरी। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है, इवन भी है, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2। अगर वो पूछता ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर तो भी, इवन प्राइम नंबर तो भी 2 ही होता, अगर वो पूछता है स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर 3 है, ठीक है, लार्जेस्ट पूछेगा तो बता ही नहीं सकते। अगर वो पूछता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो क्या हो जाएगा, 4। अगर वो पूछता है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। एच सी एफ ऑफ प्राइम नंबर, हमें पता है कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो तो उनका तो एच सी एफ 1 होता ही होता है, पर कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं है फिर भी उनका एच सी एफ क्या हो रहा है, 1, क्योंकि प्राइम नंबर में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही बचेगा क्योंकि ये तो सब में कॉमन होता है, इसलिए प्राइम नंबर का तो एच सी एफ 1 होता है। लेकिन अगर को प्राइम नंबर है, प्राइम नहीं होकर भी उनका एच सी एफ 1 है, तो वो हमें क्या लगते हैं, वो भी प्राइम जैसे लगते हैं, इसीलिए उनको को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, 7 और 11 ये दोनों नंबर प्राइम है, और इनका एच सी एफ भी देख लो, एच सी एफ क्या है, 1। बट मैं बात करूं 15, ये प्राइम नंबर नहीं है,
मैं बात करूं 16, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कंपोजिट नंबर है, फिर भी इनका एचसीएफ क्या आता है? वन। ठीक है, और देख लो जैसे 27 क्या है, कंपोजिट नंबर, 32 कंपोजिट नंबर, स्टिल इनका प्राइम एचसीएफ क्या है? वन। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर, इनसे डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है डी, एक्स विल बी डिविजिबल बाई 44। 44 से डिविजिबल है, 44 को मैं फैक्टर करता हूँ तो क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी। 947916x4। तो पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ओड प्लेसेस पे कौन से नंबर है, इवन प्लेस पे कौन से नंबर प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस, ये सेवन प्लेस, ये तो है ओड प्लेस, तो इनका सम कर दो, 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4। अब ओड प्लेस पे देखते हैं सेकंड, ओ सॉरी इवन प्लेस पे सेकंड, थर्ड के बाद में फोर्थ, फिफ्थ के बाद में सिक्स, और सेवन्थ के बाद में एट, तो इनका भी सम कर लेते हैं, 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8, इन दोनों का सम होने के बाद इनका जो डिफरेंस आएगा, तो पहले सम तो कर लेते हैं, इसका होगा 10, 19, 23, और इसका कितना हो जाएगा, 17 प्लस x। अब इनके डिफरेंसेस जो होंगे वो यहाँ पर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, इनके डिफरेंस डायरेक्टली ही 0 होना चाहिए, तो करके देखो 23 माइनस 17 माइनस x, इनको करा तो 6 माइनस x। अब बताओ इसमें से क्या माइनस करूँ कि या तो 11 का डिविजिबल आ जाए या 0, तो कुछ भी माइनस करने पे 11 का डिविजिबल तो नहीं आएगा, पर 0 जरूर आ सकता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये 64619749। अब ये चेक करो, 4 से भी डिविजिबल है, 4 की डिविजिबिलिटी ये क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, हो रहे हैं, तो ये 44 से होगा, तो आंसर क्या हो गया, ए। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 31 टू 110, 31 से 110 के बीच में, सारे प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 31 और 110 के बीच के चाहिए, मतलब हम 31 को नहीं ले सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, फिर भी इसको नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहिए, बिटवीन 33 के बाद में, 31 के बाद में, 37, 41, 43, 47, 53 और 67 और 61 और 71, 73, 79 और 83, 97, यही है क्या? इससे पहले के भी देख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 2 घंटे। देखो प्राइम नंबर पूछा है 31 टू 110, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 1 टू 100 के बीच में जो सारे प्राइम नंबर है वही बता देता हूँ, तो उनको लिख लेना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 23 एंड 29, 29 के बाद में 31, 37 है ना, 41, 43, 47, 53, 55, 57 तो नहीं है, 59, 61, 67,
73, 79, 83, 89 और 97 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी 1 to 100 के बीच में 25 होते हैं। अब इसने क्या बोला है? 21 और 110, तो मैं 100 से ऊपर के भी लिख देता हूँ 101 103 107 एंड 109, तो ये चार और हो जाएंगे ठीक है। पर हमें 31 से लेके यानी इससे पहले के नहीं लेने और इसके बाद यहाँ तक लेने हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हो जाएंगे? 18 ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवन नंबर प्लस इवन नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। इवन नंबर 2 प्लस 4 क्या आएगा? 6। ये भी इवन है। दूसरा लेते हैं 10 प्लस 18, ये कितना आएगा? 28। ये भी इवन है। फोर अगर हम एग्जांपल लें 100 प्लस 400, तो ये भी कितना आएगा? 500। ये भी क्या है? इवन। जब दो इवन को प्लस करेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ऑलवेज इवन ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 7 आवर इज 7 मिनट? कि 7 मिनट 7 आवर का कितना फ्रैक्शन है? तो 7 मिनट पूछा है कि ये किसका फ्रैक्शन है? 7 आवर का। अब दोनों को एक ही पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 मिनट अपॉन 7 मल्टीप्लाई 60 मिनट ठीक है। अब इसको ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, 7 से 7 डिवाइड हो गया तो 1/60, मिनट से मिनट भी कैंसिल हो गया वैसे देखा जाए तो 1/60 आंसर आ जाएगा। रेशियो कभी भी किसी यूनिट नहीं आती, जब भी हम किसी का फ्रैक्शन निकालते हैं तो कोई यूनिट्स नहीं लगेगी बाद में। रोमन नंबर चाहिए इसका, तो पहले देखो 2025 इसको डिवाइड करेंगे, 2000 प्लस 20 प्लस 5, 2000 का क्या हो जाएगा? 1000 का क्या होता है एम? 2000 का क्या हो जाएगा एम? एम फिर देखो 20 का ही आएगा सीधा, एक्स एक्स और 5 का वी, आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट सोल्व होगा, इसको मैं लिख देता हूँ 50/100 प्लस 15/100 डिवाइड बाई 5/100 ब्रैकेट में 2/7 ठीक है। तो पहले डिवाइड सोल्व होगा 50/100 प्लस, इसको किया तो 15/100 और इसको मल्टीप्लाई में करते ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/7 ये तो कट गया और ये 3 टाइम, तो आंसर क्या हो गया? इसको भी काटा तो 1/2, तो 1/2 प्लस 3 ब्रैकेट में 2/7 इक्वल टू 1 प्लस 6/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7 क्या हो गया? 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ये 2 से 2 हो गया, 7/2 1 आ रहा है ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें पार्ट ऑफ एन हार इज ए सेकंड ठीक है। तो देखो वो एक सेकंड एक हार का कितना पार्ट है? एक हार में कितने होते हैं? 1 6 3 6 0 0 सेकंड क्या हो जाएगा? 1/3 6 0 0 यही है इसका आंसर। अब इसको आप मैं एक तरह आपको दे देता हूँ, इसको चेक करके देखो इनमें से कौन सा आ रहा है, डिवाइड कर दिए ठीक है। एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 5.125 इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, एक्सप्रेस 5.125 इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, तो 5.125 इसका डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 5125 अपॉन, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरोस लगेंगे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, 5 से डिवाइड होंगे तो 5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 0, 5 × 10 = 5 और ये 200, फिर 5 से डिवाइड हो जाएंगे 2 0 5 upon 40, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 4 1 upon 8 41 upon 8 क्या जाएगा? 5 होल 1/8 सी।
Study the graph and what percent of students have expressed have passed in English. Number of the students appeared in the each exam is 40. हर एक एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं? 40. संस्कृत में 40, मैथ में 40, साइंस में 40, इंग्लिश में 40 और सोशल साइंस में 40. एंड टोटल कितने स्टूडेंट आए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 200 स्टूडेंट टोटल. और इंग्लिश में कितने पास हुए? इंग्लिश का पूछा ना, इंग्लिश का देखो, इंग्लिश में 15 स्टूडेंट को पास हुए, है ना? तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, तो 15 पास हुए कितने में से? 15 में से परसेंट में कन्वर्ट कर दो, 0 से 0, 4 का 2 और 5, 75 बाई 2 कितना हो जाएगा? 37.5%. इवेल्युएट करना है इसको, तो देखो सॉल्व करते हैं. √41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √9. 9 का रूट करेंगे तो क्या आएगा? 3. ठीक है, फिर 41 माइनस का √21 प्लस रूट, इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 16. 16 का रूट हटाएंगे तो 4, तो क्या आ जाएगा? √41 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 25. 25 का रूट हटाएंगे तो 5, है ना? और √45, 41 माइनस 5 क्या जाएगा? √36, विच इज इक्वल टू 6. बी, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग. 101 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर. 100 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है पर ये, सॉरी, 100 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है पर ये प्राइम नहीं है, लेकिन 101 प्राइम है. तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. द सम ऑफ टू ओड नंबर इज इवन. सम ऑफ टू ओड नंबर हमें से क्या होता है? इवन होता है. 11 + 9 = 20, तो ये भी सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है. द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर नेवर एंड टू. किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? 2 का एंड नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता किसी का भी. ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है. √2 इज अ रेशनल नंबर. रॉन्ग, वो क्या है? इरेशनल नंबर. √2 इरेशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. और ये, लेकिन हमारा आंसर तो यही होगा. ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर. तो पहले इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. ये तो कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर. ये कितना हो जाएगा? 385 सेंटीमीटर. और ये 1295 सेंटीमीटर. इनका हमें क्या लेना है? एच सी एफ 385 और 1295. तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से. 140, 5 से इसको किया तो 75 77, और इसको किया तो 5 से 2 5 9. अब ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं सारे. 7 से किया तो 20 11 और 37. अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन पॉसिबिलिटीज थी तो वही हो गई. तो 5 × 7 कितना हो गया? 35. वही कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है. आंसर नंबर ये ए. वैल्यू निकालनी है इसकी. 1 whole 2.488 = 0.4085. ठीक है, अब हमें आगे वाला सॉल्व करूंगा. देखो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर, ठीक है, सॉरी मैं क्या करता हूँ इस नंबर को, हाँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो 1/2.488 मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्या 1.2.488 इसकी वैल्यू है 0.4085. अब ये हमें पता है पॉइंट, तब जब मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अगर इसको किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो मुझे देखो पॉइंट यहाँ है, इस पोजीशन पे था, तो फिर 1 2
फोर प्लेस इधर शिफ्ट करना है, तो मुझे 1 2 3 4 0 चाहिएंगे, यानी मैं उसको 10,000 से डिवाइड करूं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 10,000 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 होल 2.488। इसको मैं 10,000 से डिवाइड इसको कर दूं, या फिर टोटल को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात सेम है। अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे 0.4085 को भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई करते, ये क्या हो गया, 0.00024888, ये क्या हो जाएगा, 4085.0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4085। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1.25 मीटर एज। तो यहाँ है वॉल्यूम, को वॉल्यूम से डिवाइड करना, क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर एज वाला जो क्यूब है, ठीक है, वो उसने जितना स्पेस कवर कर रखा है, ठीक है, उतना ही स्पेस ये छोटे छोटे बॉक्स कवर करेंगे इसके अंदर रखेंगे, तो वॉल्यूम तो दोनों केसेस में सेम है। तो जो बड़ा बॉक्स है उसका वॉल्यूम, अगर मैं छोटे बॉक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। तो बड़े बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, 1.2 मीटर वाला बड़ा बॉक्स है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले ही, तो 120 सेंटीमीटर हो गया। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 120 सेंटीमीटर अपॉन में छोटे वाले क्यूब की डायमेंशन क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तभी तो ये वॉल्यूम निकलेगा। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो जाएगा, 144 मल्टीप्लाई बाय 12, विच इज इन द एंड इक्वल टू 1728, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स आए हैं, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन टू ए क्यूबिकल बॉक्स, सेम क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर कितना है, 12, तो उनका टोटल सम कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 36, ठीक है। और उनमें से दो नंबर हमें पता है 13 और 15, तो इनको माइनस कर दो, 13 माइनस 15 कितना हो गया, 36 माइनस 29, तो आंसर कितना गया, सॉरी 28, तो आंसर कितना गया, हाँ 8 आंसर आ गया हमारा। तो थर्ड नंबर क्या है, 8। द शॉपकीपर सेल रेडी ऑन 968 गेन ऑफ 20%, 960 में उसको 20% का गेन हुआ है, तो ये तो एसपी है, और गेन यानी प्रॉफिट परसेंट का दे रखा है 20%, ठीक है। तो यहाँ से सीपी क्या आ जाएगी, सीपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट, तो एसपी 963 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 120 कितना आ गया, 800, कल से 810 गया ना, तो यहाँ से सीपी आ गई 800। दूसरे केस में एस पी है 960, इट ए लॉस ऑफ, लॉस कितना है 4%, तो यहाँ से सी पी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एस पी मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस 100 माइनस लॉस परसेंट, तो क्या हो जाएगा, 960 मल्टीप्लाई बाई 100, और 100 माइनस लॉस को मल्टीप्लाई करोगे 96, तो 10, एंड क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है, सॉरी 1,000, यहाँ से सी पी आ गई 1,000। अब देखो टोटल सीपी कितनी हो रही है, 1,800, टोटल एसपी कितनी हो रही है, 9,020, तो देखो प्रॉफिट हो रहा है 120 का, कितने पे, 800 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0, और ये 9, ये 60, 3 से किया तो 20, और ये से किया तो 3, 20 बाई 3, यानी 3 को किया तो 6 होल 2 बाई 3, आंसर क्या आ गया, ए। द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज आदर्स 5 एंड द प्राइस ऑफ 2 बॉल पेन इज 7 देन द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल एंड 4 बॉल पेन। तो देखो 3 पेंसिल कितने की है, 5 रुपीज की, एंड 2 पेन कितने के हैं, Take free offline mock test every Sunday and evaluate your preparation. For this, visit our academy. Jai Hind.